हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको कॉल सेंटर में क्या काम करना होता है। कॉल सेंटर में जो भी काम करते हैं मोस्टली उनका काम होता है फोन पे बात करना या कस्टमर सर्विस का काम करना। जब आप एक कॉल सेंटर में काम करेंगे तो मोस्टली ये होगा कि आपके पास कॉल आएंगे या फिर आप आउटबाउंड कॉल करेंगे। जो भी आप कस्टमर सर्विस का काम करेंगे उसमें मोस्टली जो काम होता है वो या तो आपको सर्विस है उसके बारे में जानकारी देनी है, या फिर क्लाइंट को किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है, या फिर जो टेक्निकल काम है वो आप करते हैं कस्टमर सर्विस में। कॉल सेंटर में जब आप काम करेंगे तो हो सकता है कि आप ऐसा काम करें जिसमें कि आपको कुछ ट्रैक करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई करियर कंपनी के कॉल सेंटर में काम करते हैं तो एक क्लाइंट आपको कॉल करके पूछ सकते हैं कि उनका करियर जो है वो पहुंचा या नहीं, या फिर अगर उनका करियर बीच में है तो वो ये जानना चाहते हैं कि कहाँ पे स्टक हो गया। तो आपको इसमें सिंपल क्या काम करना होगा कि क्लाइंट से आप इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि वेबल नंबर है आप उसको लेके और आप ट्रैक करके बताएंगे कि एग्जैक्टली जो उनका करियर है वो अभी कहाँ है या फिर वो पहुंच चुका है, और आप ये भी बता सकते हैं कि किसने साइन करके वो करियर ले लिया है, जिससे क्लाइंट की जो एक ये क्वेरी थी वो एक सिंपल क्वेरी की वो जानना चाहते थे कि उनका जो कुरियर है वो पहुंचा या नहीं पहुंचा। कई बार जब आप कॉल सेंटर में काम करेंगे तो कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे। तो हो सकता है कि कस्टमर ने कोई चीज़ खरीदी और आपकी कंपनी से जब उनको वो चीज़ मिली तो वो ठीक हालत में नहीं थी या खुली हुई थी, तो वो जो कंप्लेंट है वो आपको बता सकते हैं कि किस तरीके की कंप्लेंट है या उनकी कोई प्रॉब्लम है, या वो बहुत गुस्से में है कि उनको जो उन्होंने ऑर्डर किया था वो नहीं पहुंचा, कुछ और उनके पास पहुंच गया। तो आपका काम ये होगा कि आप कस्टमर से सारी इन्फॉर्मेशन लें कि उन्होंने क्या ऑर्डर लिया था, और क्योंकि जब आप एक कॉल सेंटर में होते हैं तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। आप देख सकते हैं कि कस्टमर ने किस चीज़ को ऑर्डर किया, क्या चीज़ जो है वो भेजी गई कस्टमर को, कब भेजी गई, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास रहती हैं। तो आप एग्जैक्टली देख के वहाँ पे बता सकते हैं कि क्या उन्होंने ऑर्डर किया था, क्या गया है, या फिर अगर कुछ गलती हो गई है तो उसको भी आप रिजॉल्व करेंगे। अगर आप ऐसे कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं जहाँ पे आप क्लाइंट को प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं तो आपके पास वैसे कॉल आएंगे कि एक क्लाइंट है वो जानना चाहते हैं किसी सर्विस के बारे में, अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहता है। एक कॉल सेंटर एम्प्लॉय के रूप में जो आपका एक रोल होगा या जो एक आपकी डेली एक्टिविटी होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। सबसे पहला काम तो ये है जो आप करेंगे वो ये कि आप क्लाइंट या कस्टमर्स के जो फ़ोन है उनको आंसर करेंगे। कस्टमर के अगर कोई इशू है तो आप उनको रिजॉल्व करने का काम करेंगे कॉल सेंटर में। अगर कस्टमर इसलिए कॉल कर रहे हैं कि उनके जो पेमेंट हैं वो सही नहीं है या कुछ गलती हो गई है, तो जो मिसमैनेज पेमेंट्स होते हैं उनके लिए भी कॉल सेंटर में आपको जो कस्टमर्स हैं वो कॉल कर सकते हैं। तो आपका काम होगा कि आप उसको फिक्स करें कि जो भी अगर गलती हो गई है या फिर कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया है पेमेंट में या बिलिंग में, तो आप उसको फिक्स करने का काम करेंगे अपने एंड पे। हो सकता है कि कस्टमर्स कई बार कॉल सेंटर में केवल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कॉल करें, तो आपको वहाँ पे कस्टमर को केवल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देने का काम होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए एक एसेट होता है जब आप एक कॉल सेंटर में काम करते हैं कि आपको लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता हो और आप उनसे बहुत अच्छे एक पोलाइट तरीके से बात करें। अगर कोई कस्टमर आपको कॉल करते हैं और आपको पूरी जानकारी नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो आपका काम ये होगा कि आप कस्टमर से बता दें कि मैं आपको अभी पूछ के बताता हूँ, और आप क्यों
और आप वहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है अपने एंड पे देख सकते हैं, या किसी कोलीग से पूछ सकते हैं, या आपके जो मैनेजमेंट होता है आप उससे पूछ के क्लाइंट को बता सकते हैं। पर जब आप एक कॉल सेंटर में काम करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब क्लाइंट कॉल करता है, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप उनको नो होल्ड पे रख सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हम अभी पूरी जानकारी आपको देख के अभी देते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं कि आप क्लाइंट से बोलें कि आप उनको कॉल बैक कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और आप नहीं चाहते कि क्लाइंट को उतनी देर आप कॉल पे रखें, या फिर कंपनी की पॉलिसीज भी होती हैं कि आप जो भी आपकी क्यू है आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। तो आप एक क्लाइंट से या कस्टमर से पूछ सकते हैं कि क्या टाइम होगा उनके लिए बेस्ट जब आप उनको कॉल बैक कर पाएं। बहुत सारे कॉल सेंटर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ डील करते हैं, या फिर कुछ ऐसे कॉल सेंटर भी हैं जो अब्रॉड के जो सर्विसेज हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ डील करते हैं। कॉल सेंटर के जॉब में एक अच्छी चीज़ और ये भी है कि जो फ्रेशर्स हैं वो भी आराम से यहाँ पे जॉब पा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप एक अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, और अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छे हैं, तो कॉल सेंटर में आपको एक अच्छा जॉब लग सकता है। तो इस तरीके से कॉल सेंटर के जो जॉब्स हैं वो इंडिया में बहुत बढ़ रहे हैं और इसमें अपॉर्चुनिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है। आई होप इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि किस तरीके का जो काम होता है वो एक कॉल सेंटर में होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।